हेलो फ्रेंड्स, जहां हम लोग अपने देश में सब पढ़े सब बड़े की बात करते हैं, स्वच्छ भारत सुंदर भारत की बात करते हैं, ऐसे में ही अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बड़ा ही खास मुद्दा निकल कर आया, जबकि यहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। और अभी कल का एक मुद्दा था कि BHU में जो लोग भी गार्जियंस और स्टूडेंट्स जो पेपर देने आ रहे हैं और जो दिलवाने आ रहे हैं, उन लोग के लिए टॉयलेट के लिए कोई भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं था। मतलब मैनेजमेंट तो है लेकिन वो बंद चल रहा था क्योंकि कॉलेज बंद चल रहा है। और ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीनियर भैया लोग, स्कॉलर भैया लोग जो हैं, वो लोग इस पे इस चीज़ को आज VC सर के सामने और प्रॉक्टर टीम के सामने प्रकाश में लाए और इस पे तत्कालीन कुछ चीज़ें जो एक्शन में आई हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली भैया लोग से ही बात करते हैं और पता करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो मैं चाहूँगा कि भैया प्लीज़ थोड़ा व्यूवर्स को बताइए कि पहले मुद्दा क्या था। पहले तो जैसा कि हम जहाँ खड़े हैं आप पीछे देख सकते हैं, ये BT के जस्ट बगल में वॉशरूम एंड बाथरूम, ये दोनों हैं, कंबाइन है, सुलभ शौचालय की एक ब्रांच है आप ये कह लीजिए। और यहाँ पे ये पेड वॉशरूम है, ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको इसलिए बंद किया गया, ये पेड वॉशरूम है और इसको खोला नहीं जा रहा है। और उसके साथ आने वाली दिक्कतों के बारे में बताऊं, जो लोग बाहर से एग्ज़ाम देने आ रहे हैं सबको पता है कि वॉशरूम और बाथरूम की सुविधा VT के बगल में है। जब वो लोग आ रहे हैं तो उन देख रहे हैं कि ये बंद है तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसीलिए और इस चीज़ को हमें ओपन करवाने के लिए हमने लेटर लिखा है और ये लेटर हमने VC चीफ प्रॉक्टर को फॉरवर्ड किया है, यहाँ का स्थानीय प्रशासन को बताया है। तो हमें आश्वासन मिला है कि कल सुबह यानी 26 तारीख को सुबह 8 बजे तक इसको खुलने का हमें आश्वासन दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर BHU ने हमें और BHU अधिकारियों ने अगर हमें आश्वासन दिया है वो इस पर खड़े उतरेंगे। अगर नहीं होता है, अगर ये चीज़ें कल 8 बजे तक नहीं खुलती है तो हम इसके आगे की कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। तो देखिए कि कितने बोला था, इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि भैया लोग हेल्प डेस्क लगाते हैं और आप लोग को रूट्स बताते हैं, डिपार्टमेंट बताते हैं जो लोग भी बाहर से एग्ज़ाम देने आते हैं। और तो एक तरह से पूरा हेल्प डेस्क में हर चीज़ को इंक्लूड कर रहा है। अभी उन लोगों ने जब देखा ग्राउंड लेवल पे कि नहीं टॉयलेट की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, इन लोगों को भाई पता चला होगा ग्राउंड लेवल पे हम लोग वर्क करते हैं पता चला ये बात, तो ऐसे में फिर इस बात को भी इस पर एक्शन लिया गया। और आई होप कि कल ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो एक बार मैं आपको ये जो प्लेस है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए प्लेस है VT का, आप लोग मेरे वीडियो ब्लॉग वीडियो में देखा होगा, ये पीछे VT जाता है और इधर ये आपका BCOM जाता है, आर्ट्स फैकल्टी का चौराहा BCOM का इधर पड़ता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं जो लोग पेपर दिलाने आए हैं। तो ये गार्जियंस हैं जो अपने छात्रों को लेकर आए हैं पेपर दिलवाने। तो गाइज प्लीज़ कीप वॉचिंग BHU पाठशाला, चैनल पे बने रहो। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था, आई थिंक वो कल फुलफिल हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।